सोमवार की निफ्टी और फिफ्टी, निफ्टी फिफ्टी और निफ्टी बैंक में क्या होगा आज ही जान लीजिए। सबसे पहले चलिए दोस्तों मैं बताता हूँ कि सोमवार को निफ्टी फिफ्टी का क्या मन है, सोमवार को निफ्टी फिफ्टी का क्या मन है करने का। सबसे पहले बता दूं कि ये शुक्रवार को जो बंद हुआ था निफ्टी फिफ्टी 22 तारीख को दोस्तों 17171 रुपया 95 पैसा 220 रुपया 65 पैसा के गिरावट के साथ लाल निशान में, और ये 22 तारीख को डे लो इसका 17149 रुपया 20 पैसा था और डे हाई 17315 रुपया 30 पैसा। 100% इंटरडेटेक मुंबई एमबीए बीके सिंह के जो एनालिसिस थी, जो टारगेट थी, उसी के अनुसार निफ्टी फिफ्टी चला। निफ्टी बैंक का भी बता दें, उसके बाद एक एक करके निफ्टी फिफ्टी और निफ्टी बैंक का सोमवार को क्या होने वाला है वो हम आपको बताने की जरूर कोशिश करेंगे 100%। तो 5 सेकेंड का समय दीजिए बस, और ये फिर आ गया निफ्टी बैंक। ये सिर्फ निफ्टी बैंक का बता दें आपको कि 22 अप्रैल को 36044 रुपया 65 पैसा पे ये क्लोज हुआ 771 रुपया 35 पैसा की भारी गिरावट के साथ दोस्तों। ये भी हमारा एनालिसिस 100% सटीक और सही रहा है। अब चलिए मैं बता दूं आपको कि निफ्टी बैंक, चलिए निफ्टी बैंक की सबसे पहले एनालिसिस करते हैं और निफ्टी बैंक सोमवार को क्या करने वाला है दोस्तों। तो सबसे पहले हम डे लो गया था ये 35991 रुपया 50 पैसा और डे हाई 36578 रुपया 95 पैसा। अब चलिए बताते हैं कि सोमवार को निफ्टी बैंक क्या करने वाला है दोस्त। तो ये सोमवार को मैं बता दूं कि बहुत ही स्थिति खराब है शुक्रवार के अनुसार, लेकिन घबराने की जरा भी जरूरत नहीं है। हम बता दें आपको कि हमें देखना है दोस्तों 36205 रुपया, जी 36205 रुपया हमें देखना है कि इसके नीचे नहीं जाए, और इसके नीचे नहीं जाए तो कहाँ जाएगा 36420 रुपया का ये आपको देखने को मिलेगा। अगर 36420 रुपया देखने को मिला तो फिर ये 36750 देखने को मिलेगा, और फिर ये 37000 का जो हमारा अभी शुरू से चलता आ रहा है वही देखने को मिलेगा, और 37000 से 42000 तक मेरा टारगेट है मई में। दूसरी तरफ ये 36205 तो देखना ही देखना, इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर चला गया किसी कारण से दोस्तों तो ये 35835 रुपया पहला आपको ये सपोर्ट देखने को मिलेगा, और उसके बाद अगर इससे भी नीचे घसका तो 35635 रुपया, और फिर इसके नीचे गया तो 35250 रुपया। इसका मतलब 35250 से लेकर 35835 रुपया का नीचे की तरफ, और ऊपर की तरफ आपको 37000 से लेकर 36425 रुपया। तो ये है निफ्टी बैंक का। अब चलिए निफ्टी फिफ्टी का भी हम बता दें कि मेरा जो सॉफ्टवेयर है वो क्या कहता है, इंटरडेटेक मुंबई एमबीए बीके सिंह की जो एनालिसिस है और इनकी जो स्ट्रेटेजी है वो क्या बोलती है। तो ये बोलता ये है कि निफ्टी बैंक तो हो गया दोस्तों, निफ्टी फिफ्टी, तो निफ्टी फिफ्टी का जो एनालिसिस है वो हम आपको ज़रूर बता दें। चलिए तो ये हमें देखना है क्या निफ्टी फिफ्टी का लेवल, जैसे कि 36205 रुपया का जो हमें देखना था, अब निफ्टी फिफ्टी में देखना है दोस्तों 17210 रुपया का निफ्टी फिफ्टी की लेवल, इससे नीचे नहीं जाना चाहिए, और नीचे नहीं जाना अगर तो ऊपर की तरफ देगा तो 17280 रुपया का पहला लेवल रेजिस्टेंस, फिर दूसरा 17380 रुपया, और फिर 17440 रुपया। हमारा तो टारगेट है 18200 से आसपास मई में 100%, लेकिन अगर ये 17210 रुपया से नीचे गया दोस्तों तो 17110 देखने को मिलेगा, फिर उसके बाद घसक के आया तो 17050 और फिर 16950 रुपया।
ये है निफ्टी 50 की 100% एनालिसिस। तो चलिए दोस्तों देखते हैं सोमवार को इंटरडेटेक मुंबई एमबीए बीके सिंह की क्या स्ट्रेटेजी एनालिसिस करती है। नमस्कार दोस्तों, इंटरडेटेक मुंबई में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। नए शेयरधारकों को हृदय से आभार व्यक्त करते हैं और इसलिए हम आपको सैल्यूट करते हैं कि सावधानी में ही आपकी सुरक्षा है। तो सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए, स्टॉप लॉस किसी तरह का जोखिम नहीं उठाना है इस समय की जो चक्र चल रहा है। जब तक कि 18,200 निफ्टी 50 और निफ्टी बैंक ये चक्र से 42,000 के ऊपर और 18,200 के ऊपर नहीं जाता था, इस चक्र की चक्कर में फंसने से अच्छा है कि स्टॉप लॉस लगाते रहिए दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।